शुक्रवार को उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन रहा। गुरुवार को विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जिला विकास प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ, तो वहीं विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाते हुए सदन में बजट की कॉपी फाड़ दी। इस बीच विधायक अनुपमा रावत और सुमित हृदयेश की मार्शल से धक्का मुक्की भी हुई। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने जो जिला विकास प्राधिकरण बनाए थे वे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। वहीं विधानसभा सत्र के पहले दिन धामी सरकार ने मंगलवार को 65,571 करोड़ 49 लाख का बजट सदन में पेश किया था। बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पर परिचर्चा हुई थी। साथ ही बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और चंदन रामदास विपक्ष के सवालों से घिरते नजर आए थे। सबसे ज्यादा फजीहत पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की हुई थी।